हेलो और वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और आज का हमारा टॉपिक है कॉमन जीएमपी डिफिशियंसी इन डॉक्यूमेंटेशन, मतलब डॉक्यूमेंटेशन के अंदर किस टाइप की डिफिशियंसी हम देखते हैं फार्मा इंडस्ट्री के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि क्यूए के अंदर अपना फ्यूचर देख रहे हैं या क्यूए में जॉब करना चाहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कॉमन जीएमपी डिफिशियंसी इन डॉक्यूमेंटेशन। सबसे पहले अगर बात की जाए कॉमन जीएमपी डॉक्यूमेंटेशन की, तो डॉक्यूमेंटेशन में सबसे बड़ी जो डिफिशियंसी देखी जाती है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर वो ये है कि डॉक्यूमेंटेशन को कैसे कंट्रोल करना है, उनको कौन क्रॉस चेक करेगा, इसके लिए किसी भी टाइप की डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस अवेलेबल नहीं है। मतलब एक प्रॉपर गाइडलाइन जो है कि डॉक्यूमेंट को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल करने का मतलब ये होता है कि उसको प्रॉपर चेक करना, सील और साइन करना प्रॉपर, उसको कैसे आपको रखना है, किस टाइप से उसको सेव करना है, कौन उसको हैंडल करेगा, इसके बारे में किसी भी टाइप की गाइडलाइन अवेलेबल नहीं है, जिससे कि डॉक्यूमेंटेशन को कंट्रोल करना है काफी, मतलब हर इंडस्ट्री में फिर अलग अलग हो जाता है। कोई मतलब जब आपके पास गाइडलाइन ही नहीं होगी तो फिर इंडस्ट्री अपने हिसाब से गाइडलाइन बनाती है और अपने हिसाब से फिर डॉक्यूमेंट्स को कंट्रोल करती है। ठीक है, अगर हम दूसरी बात करें तो अगर हम देखें डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, तो जैसे बीएमआर जो कि प्रोडक्शन एरिया के अंदर यूज होने वाला डॉक्यूमेंट है, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, इसको भरने के लिए कई बार पेंसिल का यूज किया जाता है। कई बार फार्मा इंडस्ट्री के अंदर पेंसिल का यूज होते हुए देखा गया है। यह एक गलत प्रैक्टिस है जिससे कि जीएमपी के अंदर बहुत बड़ी डिफिशियंसी क्रिएट होती है। तो एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी चीज ये, आप अगर फार्मा इंडस्ट्री के अंदर देखेंगे, जैसे कि अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आपको ये बात पता नहीं होगी, बट जो एक्सपीरियंस पर्सन है जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको ये बात पता होगी कि कई बार फार्मा इंडस्ट्रीज के अंदर जो सिग्नेचर्स का यूज किया जाता है, तो कई लोग सिग्नेचर्स भी करते हैं और अपने इनिशियल्स भी करते हैं। तो ये भी एक कह सकता हूं कि एक मिक्सअप क्रिएट होता है और कई बार ऐसे इनिशियल्स और सिग्नेचर्स का यूज कर लिया जाता है जो रजिस्टर्ड ही नहीं है। मतलब जो सिग्नेचर रजिस्टर्ड है उनके, उसको यूज ना करते हुए कोई दूसरे ही सिग्नेचर कर लेते हैं, जिससे कि फिर बाद में एक बहुत बड़े प्रॉब्लम क्रिएट होती है, खासकर तब जब वो लोग कंपनी छोड़कर किसी और कंपनी में चले जाते हैं और जब उनके सिग्नेचर मिला नहीं दिखा रहे हैं कि ये सिग्नेचर कोई और है, एक ही आदमी है बट उसके 2-3 तरह के सिग्नेचर हैं या वो इनिशियल भी अलग अलग तरीके के मार रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी डिफिशियंसी है जो कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्रिएट होती है। एक चीज और कि अगर हम देखें तो कई बार ऐसा अभी तक किसी भी फार्मा इंडस्ट्री के अंदर इस टाइप का डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल भी नहीं होता है, और कि कई बार जो उधर जो पर्सन काम कर रहे हैं, जो उनका स्टाफ है, उसका कोई चार्ट नहीं होता है। मतलब वहां पर कितने लोग काम कर रहे हैं उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। उसका रीजन ये होता है क्योंकि कई बार वो लोग क्या करते हैं कि पर्सन की जॉब चेंज करते रहते हैं, मतलब उनका जो वर्कलोड है वो चेंज होता रहता है। कभी उनसे कुछ दूसरा काम कराते हैं, कभी ये काम कराते हैं, कभी वो काम कराते हैं। उनको करना क्या है, उनका वर्कलोड क्या है, वो कभी भी क्लियर नहीं होता है, जिससे कि एक बहुत बड़ी डिफिशियंसी और बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। तो जॉब चार्ट ना होना, स्टाफ का चार्ट अवेलेबल ना होना, चाहती वर्कलोड क्लियर ना होना। उसके अलावा अगर हम देखें तो डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो क्या होता है, जो आपने किया उसको आपको डॉक्यूमेंटेड करना है, वो लिखना है, तभी वो रिकॉर्ड में आता है। बट कई पर्सन ऐसे होते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े डेविएशंस करते हैं, इंस्ट्रक्शन का डेविएशन करते हैं, जो कि अप्रूव नहीं होते और जो मान्य नहीं है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, पर वो कर लेते हैं और उसको कभी भी डॉक्यूमेंट होने नहीं देते हैं। मतलब उन्होंने वो काम कर दिया, वो डेविएशन कर दिया, वो गलती कर दी, बट वो कभी डॉक्यूमेंटेड नहीं हो पाती है क्योंकि वो अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं, जिससे कि यह भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जीएमपी के अंदर और ये एक बहुत बड़ी डिफिशियंसी क्रिएट करती है। अगर हम बात करें डॉक्यूमेंटेशन में होने वाली डिफिशियंसीज के बारे में, तो ऐसी कई डिफिशियंसीज है, जैसे कि आपने देखा होगा कि क्यूसी लेबोरेटरी के अंदर या प्रोडक्शन एरिया के अंदर ऐसे काफी छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि वेइंग बैलेंस हो गए, पीएच मीटर्स हो गए, थर्मोमीटर हो गए, इन सभी इंस्ट्रूमेंट का रोज कैलिब्रेशन किया जाता है क्योंकि छोटे इंस्ट्रूमेंट है। जीएलपी डिपार्टमेंट के पर्सन जो होते हैं वो इसका कैलिब्रेशन किया जाता है, बट इन कैलिब्रेशन से कभी भी रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किए जाते हैं, ना कि इनका रिकॉर्ड ही साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स भी मेंटेन नहीं किए जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डिफिशियंसी है। उसके अलावा कई बार कंपनीज जो हैं उनको अगर किसी पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन की परमिशन मिली और उनको उसी फॉर्मुलेशन का प्रोडक्ट बनाना है, उसी फॉर्मुलेशन को यूज करके और उसको फॉलो करते हुए उनको प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, बट कई बार वो अपनी सहूलियत के हिसाब से उस फॉर्मुलेशन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और उसको फिर चेंज फॉर्मुलेशन को फिर वो यूज करते हैं और उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसको वो कभी डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डिफिशियंसी है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। उसके अलावा कई कंपनीज ऐसी भी होती है जिनको परमिशन मिली होती है प्रोडक्ट की, बट वो उस प्रोडक्ट को, मतलब कहने का मेरा ये मतलब है कि वो प्रोडक्ट तो बना रहे हैं बट उसको उसकी उस प्रोडक्ट को बनाने की उनको परमिशन ही नहीं है।
या कोई टेबलेट वो बना रहे हैं जैसे पैरासिटामोल बना रहे हैं, बट उनके पास पैरासिटामोल बनाने की परमिशन ही नहीं है, उनके पास वो कंडीशन ही नहीं है, बट वो उस पैरासिटामोल को सिंथेसाइज भी कर रहे हैं और उसको वो किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं कर रहे हैं। एक और प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंटेशन में, आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि आप जानते हैं कि क्यूसी लेबोरेटरी के अंदर ड्रग का फाइनल टेस्टिंग होती है और एंड में ड्रग जो होती है रिलीज हो जाती है। कई बार कुछ ऐसी ड्रग्स भी आती हैं जिनको जब वो टेस्ट करते हैं क्यूसी के अंदर, तो उनके अंदर जो कह सकते हैं कि जो उनकी प्यूरिटी होती है वो लिमिट से भी ज्यादा हो जाती है, मतलब उनकी जो यील्ड है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, मतलब उसकी प्यूरिटी 100% होनी चाहिए, बट कई ड्रग्स ऐसी होती हैं जो 105% होती हैं, 110% प्योर निकल जाती हैं। तो यहां पर प्रॉब्लम ये है कि वहां पर उस ड्रग को वो जैसे तैसे लेवल पे लाके 101% 100 पे लाके पास कर देते हैं, बट वो उसका किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते, ना कि वो प्रोडक्शन एरिया में इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं। क्यूए के पर्सन भी किसी टाइप का इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, किसी टाइप का डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा ड्रग की यील्ड प्रेजेंट थी, ड्रग प्रेजेंट थी और फिर वो रिलीज भी कर दी उन्होंने, बट इसका किसी भी टाइप का वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं। अगर हम बात करें डॉक्यूमेंटेशन डिफिशियंसी की, तो जैसे कि हम देखते हैं कि कई बार प्रोडक्शन एरिया में और क्यूसी में कई बार ऐसी एसओपीस या स्पेसिफिकेशंस लगे हुए होते हैं दीवार पे, या वो यूज करते हैं जिसका किसी भी टाइप का ऑथराइजेशन नहीं होता है, ना कोई सील साइन होते हैं, ना वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी डिफिशियंसी देखी जाती है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, तो अभी फार्मा इंडस्ट्री के अंदर डॉक्यूमेंटेशन काफी कम कर दिया गया है, और अभी जितनी भी एसओपीज हैं या स्पेसिफिकेशन है वो कंप्यूटर के अंदर ही सॉफ्ट कॉपी में सेव रहती हैं, जिससे कि जो उनका स्टाफ होता है, जो वो उनका जो वर्क होता है वो काफी स्लो हो जाता है, क्योंकि हार्ड कॉपी जब होती है तो आप बहुत वर्क बहुत सिस्टमेटिक वे में कर सकते हैं, उसको रीड आउट कर सकते हैं, बट जब सॉफ्ट कॉपी में होगा तो आपको बार बार कंप्यूटर खोल के देखना पड़ेगा, फिर इंस्ट्रक्शन पढ़ने पड़ेंगे और फिर वर्क करना पड़ेगा। तो ये एक तरह की बहुत बड़ी डिफिशियंसी है जो क्रिएट होती जा रही है, तो हार्ड कॉपी में जो बात है वो सॉफ्ट कॉपी में बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ जो परचेसिंग डिपार्टमेंट होता है, जो कि रॉ मटेरियल परचेस करता है, वो भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते हैं कि वो किन से परचेस कर रहे हैं, उनके सेलर्स कौन है, वो किससे बाय कर रहे हैं, उनके बारे में उनके पास कोई भी किसी टाइप का रिकॉर्ड नहीं होता है, किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, और वो उसी हिसाब से वर्क करते रहते हैं, वो ऑर्डर देते रहते हैं और सामान खरीदते रहते हैं। बात करें डिफिशियंसी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की, तो ऐसी कई एसओपीज हैं या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं जिनको, जो कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर यूज ही नहीं होती है, यहां तक कि वो प्रिपेयर्ड ही नहीं है। तो ऐसी कई डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर या कई एसओपीज जो डेवलप ही नहीं करी गई है, बट ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने यहां पर आपको चार एसओपी के बारे में बताता हूं। जैसे पहली एसओपी है कि अगर कभी पावर फेलियर हो जाए या कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो आपको कैसे एक्शन लेना है और आपको क्या इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, उसके बारे में किसी भी टाइप की एसओपी नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि पावर फेलियर हो गया या आग लग जाएगी तो भागो, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर जैसे कि किसी पर्सन को किसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर जाना है, चाहे वो एरिया हो लेबल स्टोर हो जहां पर लेबल रखे हुए होते हैं, या रिजेक्टेड स्टोर हो जहां पर रिजेक्टेड मटेरियल रखा हुआ होता है, या नार्कोटिक स्टोर हो जहां पर नार्कोटिक मटेरियल रखे हुए होते हैं, तो वहां पर जाने का क्या प्रोसीजर है, क्या एसओपी यूज करना है, किस टाइप से हम किसकी परमिशन लेके हम वहां जा सकते हैं, क्या प्रोसीजर होगा, इसका भी किसी टाइप की एसओपी नहीं होती है। साथ ही साथ फार्मा इंडस्ट्री के अंदर रिलीज और सप्लाई के बारे में भी किसी टाइप की एसओपी नहीं है। अगर आपको किसी टाइप की किसी चीज की रिक्वायरमेंट है तो आप सीधे स्टोर में चले जाओ, वहां पर रिक्वायरमेंट डालो और वहां से ले लो, वहां पर आपको किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंटेशन वर्क करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक रिलीज और सप्लाई जो होता है ना, बेसिकली वहां पर इस टाइप का किसी भी एसओपी नहीं होती है, वो अपने लेवल पे चलता रहता है। और लास्ट में हम बात करेंगे तो एक एसओपी है, वो है क्लीनिंग मॉप्स। ये अपना में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। जहां पर फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जो क्लीनिंग मॉप्स यूज किए जाते हैं, मतलब जो जिनसे पोंछा लगाया जाता है, उनको कैसे क्लीन, पोंछा लगाने के बाद उनको क्या रखा जाता है, उनको कहाँ स्टोर किया जाता है, उनको कैसे डीकंटामिनेटेड किया जाता है, उनको कैसे क्लीन किया जाता है और उनको कैसे फिर डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उनका क्या प्रोसीजर होता है, ये इन सब के ऊपर किसी भी टाइप का प्रोसीजर या किसी भी टाइप की एसओपी नहीं है, किसी भी टाइप की गाइडलाइन अवेलेबल नहीं है। तो ये कुछ चार एसओपी मैंने आपको बताई जो कि अपने आप में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इनकी किसी भी टाइप का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अवेलेबल नहीं है, किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंटेशन और किसी भी टाइप की गाइडलाइन अवेलेबल नहीं है। तो ये बिल्कुल, मतलब कहने का मतलब है कि ये अपने व्यवहार के हिसाब से चलता काम है, हर इंडस्ट्री में अपने अपने हिसाब से इसके लिए रूल रेगुलेशन और कह सकते हैं कि अपने लेवल पे ही यहाँ पर काम होता है। तो ये था मेरा वीडियो जिसमें मैंने अभी डिस्कशन किया आपसे कि कॉमन डिफिशियंसी इन जीएमपी और डॉक्यूमेंटेशन, के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर किस टाइप की डिफिशियंसीज जो है वो देखी जाती है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट।
हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट मैं आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।